बंधुगण बदलुथिबा ऋतु कारणरु आपणंकु थंडाकाश एवं कफ भली समस्या भोगिबाकु पड़िपारे। जदि आपणंकु थरे थंडा बा काश भली समस्या आरंभ होइजाए तेबे आपणंकु बहुत अधिक जंत्रणा अनुभूत होइथाए एवं आपण विभिन्न प्रकार एलोपाथी मेडिसिन रो सेवन करिबा आरंभ करि दियंति। एलोपाथी मेडिसिन रो प्रयोग करिबा पूर्वरु जदि आपण किछि घरे उपचार रो प्रयोग करिवे तेबे आपण तुरंत आपणकर थंडाकाश एवं कफ भली समस्या को दूर करिपारिबे। आज मुँ आपण कि एमती सहज घर उपचार नहीं आसी जहाक बनवा बहुत सहज अटे एवं यार सेवन कर आपण निजर थंडाकाश एवं कफ भली समस्या को तुरंत ठीक करें। तेज आसतु जाणवा आपणकर कोल एवं कफ भली समस्या को दूर करने आज रेमेडी को आम केमी बनवा एवं यार सेवन केमी करवा से भिडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखु। आ पूर्व यह भिडियो को गोटे लाइक करूँ एवं आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे आसुवा बेल आइकन को मध्य प्रेस करूँ। काश व थंडा भली समस्या को तुरंत ठीक करने आज मुँह सहित तीन रु चार बहुत इफेक्टिव घर उपचार सेयार करी से भिडियो को शेष पर्यंत निहाती देखु। प्रथम रेमेडी आम काढ़ा बनवा से आपण के पात्र ग्यास बसातु से दुई रु तीन ग्लास पा नि एपण को तीन ग्लास पानी आवश्यकता पड़े। तीन ग्लास पा को ग्यास बसई आपण ताक गरम होगापी छाड़ दिंतु। एवं आपण के द्वितीय सामग्री आवश्यकता पड़े ताटे गोलमरीच। गोलमरीच प्रायतः समस्त रोष घर बहुत सहजरे मिल जाए एपण अधा चमच गोलमरीच निपर आपण को द्वितीय सामग्री आवश्यकता पड़े ताटे जीरा। जीरा आपणकर रोसई घर आपण को बहुत सहजरे मिल जापण अधा चमच जीरार प्रयोग करूँ। एवं आपण को तृतीय सामग्री आवश्यकता पड़े एमती गोटे छोट खंड अदा। अदा को यहपर छोट छोट पीस दिंतु एवं प्रयोग करूँ। एवं आपण यह तीनोटी सामग्री को अल्प दरचेसा कर बाटी दिंतु। एवं देखु आम जो तीन ग्लास पा ग्यास बसई बइल होगाक लगला पा अल्प फुटि आसला आपण बाटी रखिता एक तीनोटी सामग्री को एथेर पकई दिंतु। एवं आपण यह तीनोटी सामग्री को लो फ्लेम दस मिनिट पर्यंत भल भाव बइल करूँ जमी समस्त सामग्री पोषक तत्व यही पा मध्य आसीज। बंधुगण एवहृत समस्त सामग्री आपणकर कफ एवं कोल भले समस्या को दूर करने बहुत अधिक चमत्कार होता है। आपण थे यह निहाती बने ट्राए करूँ। देखु पा आमर फुटि सारी एपण गैस बंद कर दिंतु। एवं आपण यह ढाक दस मिनिट पर्यंत रखिदिंतु। दस मिनिट पर जब यह संपूर्ण भाव थंडा हो तेब आपण यह आउ एक पात्र को छाणि दिंतु। एवं आम ए आउ एक सामग्री मिसाइबा ताटे लेंबू। बंधुगण जमीक आपण मैंने जानते लेंबू विटामिन सी रे भरपूर अटे से आज काढ़ा आपण लेंबूर प्रयोग निहाती करूँ। फाड़े लेंबूर रस आपण ए भल भाव चिपुड़ी दिंतु। लेंबूर मिलता विटामिन्स आपणकर थंडाकाश एवं कफ भली समस्या को दूर करने बहुत अधिक लाभदायक होता है। आज रेमेडी लेंबूर रस निहाती प्रयोग करूँ। एवं आपणकर काढ़ा बनी प्रस्तुत एवं आपण यह सेवन करें। काढ़ा को आपण दुई कप बन दिंतु एवं स्टोर कर रखिदिंतु। दिनक दुई थर आपण यार सेवन करूँ। खाद्य खाइबार अध घंटा पूर्व किंवा खाद्य खाइबार अध घंटा पर आपण यार सेवन करें। केवल गोटे दिन आपण यह काढ़ार सेवन कर देखु देखिए आपणकर थंडाकाश एवं कफ भली समस्या संपूर्ण भाव ठीक हो तेबे यहा हुई गला प्रथम रेमेडी। एहि काढ़ार प्रयोग करी आपण आपणकर थंडाकाश एवं कफ भली समस्या को दूर करिपारिबे। एबे मु आपणकु आउ एक रेमेडी बनाइबा सिखाइबि। एहा को बनाइबा पई आपणकु तीनोटे सामग्री आवश्यकता पड़े। प्रथम आपण अधा चमच महु एक पात्र को नियंतु। तापर आपण के द्वितीय सामग्री आवश्यकता पड़े ताटे लेंबू रस किछि बंदा लेंबू रस आपण एथिरे चिपुड़ी दिंतु। एवं आपण को तृतीय सामग्री आवश्यकता पड़े ताटे डालचीनी गुंड। डालचीनी गुंड आपण ए चिमुटाई मात्र प्रयोग करूँ। एवं बंधुगण आपण यह तीनोटी सामग्री को भल भाव मिक्स कर दिंतु। एवं आपणकर होममेड कफ सिरप बनी प्रस्तुत। एवं जाणिनियंतु आपणकर थंडाकाश एवं कफ भली समस्या को दूर करने यार सेवन किपर करेंगे। दिनक दुई थर आपण को बनवाकूर सेवन करने को जदि आपण को बहुत अधिक कफ कोल्ड बा थंडा भली समस्या अच्छी
तेबे आपण एही रिमेडी को एही पर प्रस्तुत करंतु एवं एथिरु एक चमच डायरेक्टली कंज्यूम करंतु। देखिबे आपण के एथिरु थंडा काश एवं कफबळी समस्यारु इंस्टेंट रिलीफ मिलिबो। एहा संपूर्ण प्राकृतिक एवं नेचुरल कफ सिरप अटे जहाँ आपणकर थंडा काश एवं कफबळी समस्या को तुरंत दूर करिथाय। एबे जानिनियंतु आउ एक रिमेडी विषय रे। एथिपाई आपणकु रसुणर आवश्यकता पड़िबो। केवल एक पाकुड़ा रसुण आपण को एथिपाई आवश्यकता पड़िबो। प्रथमे आपण एक पाकुड़ा रसुण नियंतु एवं ताहार चोपा को काढ़ी दियंतु। रसुण रे आंटी इनफ्लामेटोरी एवं आंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टीज मिलिथाय जहाँ आपणकर थंडा काश एवं कफ भले समस्या को दूर करने बहुत अधिक चमत्कार होइथाय। प्रथमे आपण एमिती एक पाकुड़ा रसुण खंडे नियंतु एवं ताहाकु एहिपरि छोट छोट स्लाइस करि काटि दियंतु। एबे आपण एही रसुण खंड को नै आपणकर कळर जाकि दियंतु एवं एहाकु धीरे धीरे करि चोबै खांतु। हेले मन रखंतु एही छोट खंड रसुण खाइबा पई आपणकु जेमिति 10 रु 15 मिनिट समय लागिबो। बंधुगण खाइबा को आपणकु टेस्टी न लागि पारे। हेले विश्वास करंतु जदि आपण एहार सेवन एही उपाय रे करि नेबे तेबे आपणकु थंडा काश एवं कफ भले समस्यारु इंस्टेंट रिलीफ मिलिबो बा तुरंत आराम मिलिबो। तेबे आपणकर थंडा काश एवं कफ भले समस्या को दूर करिबा पई आज मु आपणक सहित तीन प्रकार होममेड रेमेडी शेयर कली जहाँ को बनाइबा बहुत सहज अटे एवं एथिरे व्यवहृत समस्त सामग्री आपणकर रोसे घर बहुत सहजरे मिलिजिबो। बंधुकण यह छड़ा जदि आपणक सपुरी मिले तेबे ताहार जूस काढ़ी ताहाकु सेवन करंतु। सपुरी एमिति प्रकार पोषक तत्व मिलिथाय जहाँ आपणकर थंडा काश एवं कफ भले समस्या को दूर करिबा पई बहुत अधिक लाभदायक होइथाय। जदि आपणक सपुरी रस मिल जाए तेबे बहुत भल कथा। सपुरी जूस रो सेवन आपणकर थंडा काश एवं कफ भले समस्या को दूर करिबा पई सेवन करि पारिबे। तेबे आपणक ए भिडियोटी किपर लागिला आमको निश्चय कमेंट करि जणांतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।